अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन का कोरमा। आप ये मटन है, मैं धो के साफ करके रख ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये खसखस है, ये फली है, ये खोपरा है, ये तली हुई प्याज है, ये दही है, ये पुदीना है, ये खुतमीर है, ये अदरक लहसुन, ये मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक पाउडर, गरम मसाला, ये घर का पीसा हुआ गरम मसाला है, आप लोग देख सकते हैं। ये हरी मिर्ची है। चलिए मैं बनाने का तरीका बता। ये मीठा तेल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा मसाला अच्छी तरीके से भुने गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं मटन डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ये मटन अच्छा सा थोड़ा सा गल गया, पर आप लोगों को बतलाऊँ। मैं एक गिलास के अपना पानी डालूँगी। अब मैं ये ढक्कन ढाँप रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा गोश्त अच्छे से गल चुका है, बहुत अच्छा गल गया है। मसाले का पेस्ट बना के रख ली थी, अब मैं मसाला डाल रही हूँ। ये दही डाल रही हूँ। ये आधा किलो आलू है, ये धो के मैं साफ करके रख ली हूँ। मैं ये आलू भी संगाती डालूँगी ताकि मसाले में अच्छे से भुने जाए। ये थोड़ा खोती मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा पुदीना, आप लोग देख सकते हैं ये मेरा अच्छे से मसाला भुने गए पर आलू अच्छा गल गया पर आप लोगों को बतलाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा आलू भी अच्छी तरीके से गल गया है। ये माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं ये मेरा गोश्त भी अच्छा गल चुका है। अब थोड़ा सा मैं दम पे कोथिंबीर डाल रही हूँ, थोड़ा सा पुदीना डाल रही हूँ मैं। अब मैं ये हरी मिर्ची हमेशा 3-4 दम पे डालती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एक गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। मसाला मसाला बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा आलू गोश्त का खोरमा बन चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा आलू गोश्त का खोरमा बन चुका है। यम्मी यम्मी बना है, बहुत मज़े का है। छोटे मोटे दावत में अगर बना के अपने घर में मेहमान को बुला के खिला सकते हैं अपन, आप लोग भी मेरी तरीके से बना के देखिए, बहुत मज़े का बनता है। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, खाने के साथ भी खा सकते हैं। यम्मी 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 बना। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।